विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों का पेंडाउन आंदोलन। बसुआ तहसील कार्यालय में जारी मांगे नहीं माने जाने पर महिला पटवारी करेंगी वर्तकर आंदोलन। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के पटवारी आज बसुआ तहसील कार्यालय में पटवारियों की विभिन्न मांगों को लेकर पटवार संघ के बैनर तले जहां राजस्थान भर में राजस्थान सरकार के खिलाफ पटवारी धरने पर बैठे, वहीं सभी मांगों को लेकर बसुआ तहसील के सभी पटवारी तहसील परिसर में आंदोलन पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जब जब पटवारी बोला है, जब जब पटवारी बोला है, पटवार संघ के तहसील अध्यक्ष ममता मीणा ने बताया कि जब तक राजस्थान सरकार हम पटवारियों की विभिन्न मांगों को नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और मांगे नहीं माने जाने पर आगे की रूपरेखा तैयार कर पटवार संघ के बैनर तले बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर अखिलेश मिश्रा, कृपाल मीणा, अनिल शर्मा, रमेश सैनी, अमरचंद बैरवा सहित सभी पटवारी मौजूद रहे। बाइट सिग्नल हैं पटवार संघ के पदाधिकारियों की। राजस्थान पटवार संघ द्वारा गत कम से कम 1.5 साल से जो एक आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक, वो लगातार जारी है और 1 तारीख से 4 तारीख तक राजस्थान के समस्त पटवारी जो पेंडाउन हड़ताल पर चल रहे हैं। और हमारी 3 त्रिसूत्री मांग है, उसमें हमारी जो पहली मांग है वो मुख्य मांग ग्रेड पे 3600 के लिए है कि राजस्थान के समस्त पटवारियों को ग्रेड पे 3600 मिले। और जो दूसरी हमारी मांग है वो हमारी सेवा अवधि जो 9/18/27 की है उसकी जगह 7/14/21/28 पर चयनित वेतनमान दिया जाए। और समय समय पर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पटवार संघ से जो विभिन्न समझौते किए हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और समस्त पटवारियों को मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता मीणा है, मैं पटवार उपशाखा अध्यक्ष तहसील बसुआ। राजस्थान पटवार संघ द्वारा पिछले 15 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें लगा सरपंच से लेके MLA तक, सांसद तक सभी से हमने अनुशंसा करवाई थी। 11 तारीख को अजमेर बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से हमारे अध्यक्ष नीमेवाल जी चले थे, पैदल कूच किया था उन्होंने। जब 15 तारीख को वो पहुंचे तो पुलिस से मुठभेड़ हुई, उसके दौरान उसके बाद हमारा लगातार धरना चल रहा है शहीद स्थल जयपुर पर। उसके बाद भी 17 दिन हो गए आज, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता छोड़ी नहीं है। इसके कारण से हम 1 तारीख से 4 तारीख तक पेंडाउन हड़ताल पे चल रहे हैं। सरकार ने हमें 8 दिन का समय मांगा था, इसलिए हमने 1 तारीख से पूर्ण बहिष्कार नहीं किया। अब अगर सरकार 8 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानती है तो मजबूरन हमें 9 तारीख से संपूर्ण हड़ताल करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। आपका नाम? अखिलेश शर्मा।